नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त भवानी शंकर बटोही। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को ध्यान है, मैं लेखक कवि हूँ, बिजनेस डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ। मेरे बहुत सारे आप लोगों के पास में व्हाट्सएप वगैरह आते होंगे या सोशल मीडिया से भी आपको जानकारी मिलती होगी। आज मैं आपको मेरे जो काम है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बहुत संक्षिप्त वीडियो बना रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से और पूरा देखिएगा। हो सकता है कोई चीज़ आपके लिए हो और यूजफुल हो, आपको इससे निश्चित रूप से कुछ न कुछ अच्छा लगेगा आपको। दोस्तों, मेरा नाम भवानी शंकर बटोही और यहाँ मैं दो सेगमेंट में बात करूँगा। एक ये जहाँ पर आपके बिजनेस और आपके इंडस्ट्रीज वगैरह के मैनेजमेंट वगैरह पे काम करता हूँ। सेकंड, लेखनी एंड कुछ कंसल्टेंसी के ऊपर मैं काम करता हूँ। तो मैं पहले जो बात करने वाला हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, रोजगार होती है, व्यापार होती है, हमारा जो भी इंडस्ट्रीज है वो सब होती है, मैं इसके ऊपर बात करने वाला हूँ। मैं आपका बिजनेस प्रमोटर के रूप में काम करता हूँ, योर बिजनेस प्रमोटर। तो मैं क्या करता हूँ कि वो लोग जो बिजनेसमैन हैं, किसी भी तरह का बिजनेस करते हों, चाहे वो रियल एस्टेट का करते हों, मैन्युफैक्चरिंग का करते हों, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री में हों, एनजीओ हों या फिर सोशल वर्कर हों, जो कुछ भी आप करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हों, एडवोकेट हों, जो भी आपको लगता है कि कोई भी व्यापार जो हो सकता है, फर्नीचर की शॉप हो, प्लाईवुड की शॉप हो, मैट्रेसेस की शॉप हो, जो कुछ भी, हॉस्पिटल हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, इंटीरियर डिजाइनर हो, उन सब के लिए मैं बिजनेस प्रमोशन का काम करता हूँ, बिजनेस डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ। उस बिजनेस डॉक्यूमेंट्री में क्या होता है कि पूरी पार्टी की जो प्रोफाइल है वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट्री के अंदर आ जाती है। और उसका क्या, मैं तो सोशल मीडिया पर प्रमोट करता ही हूँ पार्टी को, उसके अलावा पार्टी खुद भी अपने आप को अगर किसी पार्टी को ब्रीफली पूरा प्रॉपर अगर जानकारी चाहिए तो वो क्या कर सकते हैं कि आप मेरी फलां जो लिंक है उससे आप मेरी पूरी जानकारी जो है वो पा सकते हैं। तो पहला आपके लिए क्या रहा कि आपको मैं बिजनेस प्रमोट करता हूँ, बिजनेस डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ, तो आप निश्चित रूप से इस चीज़ का फायदा उठाएं, मुझे बताएं। बहुत कम चार्ज, इतना कम चार्ज कि आपको सरप्राइज होगा। ठीक है, आपका एक कस्टमर ही आपको बहुत कुछ दे जाएगा, ठीक है, और आपकी एक डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी जो आपने। सेकेंड, इसी के साथ मैं क्या करता हूँ, सेल्स डेवलपमेंट कंसल्टेंट हूँ, और सेल्स डेवलपमेंट कंसल्टेंट किस में हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड कॉरपोरेट हाउस के अंदर। ये थोड़ा अलग चीज़ है। इसमें क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो बड़े कॉरपोरेट हाउस से जो वगैरह होते हैं, उनको कंसल्टेंसी की ज़रूरत होती है। वो बहुत कुछ कर रहे होते हैं, वो जो है बहुत बड़े सेमिनार्स वगैरह अटेंड कर रहे होते हैं, कई क्लब्स वगैरह में होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली फिर भी कुछ डार्क साइड, हिडन साइड होता है जो उनको खुद को भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और निश्चित रूप से मैं वही चीज़ इंडस्ट्रियलिस्ट को बताता हूँ और वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो आप निश्चित रूप से मेरे को एज ए सेल्फ डेवलपमेंट कंसल्टेंट आप मेरे से बात कर सकते हैं, मैं आपसे कुछ जानकारी लूँगा और आपको निश्चित रूप से अच्छे सजेशन दूंगा और आप बिजनेस प्रमोशन का काम करता हूँ। ये तो हो गया आपके जो है रोजगार का प्रमोशन। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि सेकंड, ये वाला जो लेफ्ट हैंड वाला जो सेगमेंट है वो क्या करता है, इसके अलावा मैं क्या क्या हूँ, क्या क्या करता हूँ। मैं 1983 से लेखक और कवि हूँ दोस्तों, बहुत पहले, जब मैं 1983 का मतलब जब मैं 84 के अंदर 83 में 8th क्लास में था, उस समय मैंने लिखनी चालू कर दी थी। बीच में कुछ कुछ साल के गैप भी रहे, लेकिन पिछले 15 सालों से रेगुलर डेली कुछ न कुछ लिखनी चलती है। तो क्या है कि मैं लेखक कवि भी हूँ, वक्ता भी हूँ। आप मुझे क्या, मेरी किताब भी बहुत जल्दी आने वाली है, ठीक है। तो मैं वक्ता भी हूँ, मान लीजिए आप किसी प्लेटफॉर्म पर अगर मुझे एज एन स्पीकर अगर इन्वाइट करते हैं तो वहाँ पर निश्चित रूप से आपका जो ऑफिशियल प्रोग्राम हो या किसी भी तरह का अगर कोई स्पीच का हो, स्कूल है आपकी, कोई इंस्टीट्यूशन है, वहाँ के लिए मुझे एज एन स्पीकर आप मुझे इन्वाइट कर सकते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, मोटिवेशनल जो होता है उसमें ये होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पर जो हमें जो मोटिवेशन जो मिलता है वो निश्चित रूप से बहुत कुछ दे जाता है। तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, अकॉर्डिंग टू सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू कंपनी, अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू माहौल, अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन। उसके अलावा दोस्तों मैं लाइफ कोच भी हूँ। लाइफ कोच के अंदर आप जानते हैं कि लाइफ मैनेजमेंट होता है, जीवन में इंसान जो है क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ों के अंदर वो रहता है। तो लाइफ कोच, अगर आप कहीं थोड़े इधर उधर हो रहे हैं तो आप एज ए लाइफ कोच मुझे आप मेरे से कंसल्टेंसी ले सकते हैं। मैं दोस्तों डिमांड राइटर भी हूँ। डिमांड राइटर का मतलब हुआ कि मांग पर लिखना। आपको अगर लगता है किसी भावना पर, किसी विषय के ऊपर आपको अगर कुछ लिखवाना है तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, माहौल, सोच, विचार
आपको जो भी सेंटिमेंट्स है उसके अनुसार आपको डिमांड राइटिंग करके देता हूँ। आपको अच्छी बातों के वक्ता, शायद ये हो सकता है आपने पहली बार कहीं शब्द सुना हो। अच्छी बातों के वक्ता में क्या होता है कि वक्ता तो आपको सब जगह मिलते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लीजिए आपके पारिवारिक माहौल है, आपके रिलेशन है, फ्रेंड सर्किल है, वहाँ पर कई बार क्या होता है कि हम लोग होने को हम लोग पारिवारिक होते हैं, होने को हम लोग फ्रेंड्स हैं, होने को हम लोग रिलेटिव हैं, लेकिन होता क्या है हम एक्चुअली हम लोग तनाव में गुजर रहे होते हैं और रिलेशंस बड़े क्रिटिकल हो रहे होते हैं। अगर वहाँ पर कोई अच्छी बातें इस तरीके से प्रेजेंट कर दी जाए तो डेफिनेटली वहाँ पर बहुत कुछ बदलाव होता है, हो सकता है। ठीक है, मैं ब्लॉगर भी हूँ दोस्तों, ब्लॉग्स भी करता हूँ, लिखता हूँ, बनाता हूँ, और फिल्म समीक्षक भी। तो जो है अगर मेरी किसी फिल्म का अगर समीक्षा की हुई है तो मैं उसमें ये बताता हूँ कि ये इस तरह के विचार, ये इस तरह की अगर आप मूवी देखना चाह रहे हैं तो ये आपके काम की है। अगर आप उस उन तरह की अगर आप सोच रहे हैं, अभी मैंने सत्य प्रेम की कथा की एक बहुत अच्छी जो है वो एनालिसिस किया था उसका, आप यूट्यूब पर मेरा सत्य प्रेम की कथा के अंदर जाके और देख सकते हैं। और विशेष बात इसके साथ में क्या दोस्तों, पारिवारिक जीवन संबंध प्रबंधन सभाकार भी हो गए। इसको इंग्लिश में बोले तो फैमिली लाइफ रिलेशन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। ये क्या है कि ये आप ये मान के चले कि बच्चे लोग पेरेंट्स के कहने नहीं मान रहे, जो बड़े पेरेंट हैं वो अपने बुजुर्ग मम्मी पापा का ध्यान नहीं रख रहे हैं, कपल्स के बीच में बहुत दूरियां और बहुत परेशानियां हो रही है, बच्चे अपने माँ बाप का ऑनर नहीं कर रहे हैं, माँ बाप अपने बच्चों को कुछ कह नहीं पा रहे हैं, हजार तरह के डर हैं। तो कहने का मतलब, अगर आपको लगता है कि इन दो तीन चीज़ों के अंदर जाके कहीं कोई दिक्कत हो रही है, हम थर्ड पर्सन को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कई बार हम अपने बच्चों को नहीं कह पाते हैं, बच्चे माँ बाप को नहीं कह पा रहे हैं, कई ऐसे सीन होते हैं, कई जो करियर में आ चुके हैं वो बुजुर्ग अपने उनके माँ बापों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। ठीक है, कपल्स के अंदर बहुत अंतर मतलब आ रहे हैं, सोच के अंतर आ रहे हैं वो लोग। कई अभी बहुत बड़ा एक जो है भास्कर का एक एनालिसिस आया था, उसमें भी ये था कि अबो देन 45 ईयर्स में बहुत सारी सो मेनी थिंग, मैं अभी वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, तो काफ़ी कुछ जाहिर है कि कई जगह पर बहुत दिक्कतें हैं। तो वहाँ पर अगर एक अच्छी कंसल्टेंसी दी जाए तो बहुत सारे कपल्स बहुत अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। इस तरह कर देता हूँ, उसमें होता ये है कि बहुत सारे कपल ने, हजारों लोगों कपल ऐसे हो चुके हैं जो कि केवल साथ रहते हैं क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, तलाक लेते नहीं है कि संपत्तियाँ भी ना बटे और सब कुछ, लेकिन एग्जैक्टली क्या है कि वो मेंटली डिवोर्स बोलते हैं इसको। मेंटली डिवोर्स का मतलब ये हुआ कि वो डिवोर्स लेते नहीं, लेकिन मेंटली रूप से अपने आपको मान चुके हैं कि हम लोग डिवोर्स में, और वो क्या करते हैं अपने अपने काम में रहते हैं, एक दूसरे को स्वतंत्रता दे चुके होते हैं। तो ऐसे केस में भी सजेशन अगर दी जाए तो क्या है कि उन लोगों के अंदर वापस मिठास और एक जीवन का आनंद वापस उनका शुरू हो सकता है, किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर इस वाले में अगर आप बात करें तो आप मुझे एज ए वक्ता, मोटिवेशन वक्ता, लाइफ कोच, डिमांड राइटर, अच्छी बातों में वक्ता और फैमिली लाइफ रिलेशन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के रूप में आप मुझे इन्वाइट कर सकते हैं। जाहिर है कंसल्टेंसी फीस तो जो होगी वो लेनी होगी सर्वाइव करने के लिए। और एज एन बिजनेस अगर हम बात करें तो आप अपने बिजनेस का निश्चित रूप से जो है बिजनेस वो बनवाएं, हमसे डॉक्यूमेंट्री बनवाएं, उसको हम प्रमोट भी करेंगे और निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट उसमें बहुत सारे लोगों को हो रहा है। और अगर आपकी इंडस्ट्री है तो आप मुझे एजेंट सेल्स डेवलपमेंट कंसल्टेंट आप मुझे बुला सकते हैं, जहां हम आपको बहुत सारी नई चीज़ें बताने वाला हूँ। थैंक यू दोस्तों, और आप मुझे YouTube, Facebook और Instagram पर भवानी शंकर भटोई के नाम से जो है मुझे आप सर्च कर सकते हैं। मुझे आप YouTube पर जाहिर है सब्सक्राइब करें और Facebook के ऊपर जो है मुझे फॉलो करें, जिससे कि जो भी अपडेट्स हैं आपको सारी मिलती रहें। आप मुझे सजेशन भी कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर जो है 9649262262 है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं कोई भी सजेशन अगर आपको देना हो, या आप चाहते हैं कि आपको मेरी किसी तरह की कंसल्टेंसी या फिर सर्विसेज की ज़रूरत है। थैंक यू दोस्तों, आपको दोस्त भवानी शंकर भटोई। थैंक यू।